आज हम तिल के लड्डू ना बना के तिल की बर्फी बनाने वाले हैं। तो 200 ग्राम तिल ले लिए हैं, इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फ्राई करते समय चटकने लगेगा, गैस नीचे उतार देंगे, ठंडा होने देंगे, बिल्कुल ठंडा होने देंगे। यहाँ पे 200 ग्राम हमारा खोआ है जो कि घर पे बनाए थे, 200 ग्राम गुड़ है। उसके बाद खोआ जल गया था, नीचे उतार दिए, खोआ बिल्कुल ठंडा हो गया। फिर बारीक काट के उसमें हम गुड़ डाल दिए। उसके बाद हम ठंडा हो गया मेरा तिल, तो इसको देखिए ग्राइंड कर लिए हैं दरदरा सा, ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा हम इसको अलग कर लेंगे। सबको बारीक कर लिए हैं और यहाँ पे गुड़ को मिक्स कर दिए थे खोआ में। उसके बाद तिल जो पीस के रखे उसको मिक्स कर लेंगे और बस सबको ठंडाई करके मिक्स करना है, कुछ गर्म नहीं करना। एक थाली में घी लगा लेंगे और सब मिश्रण को थाली में फैला देंगे। और इसको हम फैला के, हम इलायची डालना भूल गए थे, अभी इलायची डाल दी है। इसको थाली में अच्छे से हाथों के सहायता से फैला लेंगे। जो तिल बचा के रखे थे ऊपर से लगा देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा काजू पिस्ता बादाम काट के रखे तो वो भी हाथों से लगा के दबा दिए हैं। उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। ठंडा हो गया, बस इसको हम काट के, और ये हमारा बर्फी हो गया तैयार।